हाय फ्रेंड्स, अब तो एग्ज़ाम ओवर हो चुके हैं, अब बारी है सेकंड स्टेज की। तो लोको पायलट असिस्टेंट और ये आपका टेक्नीशियन में सेकंड स्टेज में क्या तैयारी करनी है। तो अब हमने सिलेबस और बाकी फुल डिटेल्स प्रोसेस ये तो हमने फर्स्ट वीडियो में देख लिया होगा आप लोगों ने, और बाकी आप लोगों ने सर्च कर लिया होगा क्या सिलेबस आने वाला है। तो अब सेकंड स्टेज में पार्ट ए और पार्ट बी दो पार्ट हैं, दो पार्ट में पेपर होगा। तो पार्ट ए में जो सिलेबस है जो क्वालिफाई नहीं है, जो आपका मेरिट बेस्ड है और इसके मार्क्स आपके जुड़ेंगे, ठीक है ना, इसी बेस पे आपकी मेरिट बनेगी। तो पार्ट ए में आपका क्या है, रीजनिंग है, मैथ है, जीके है और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग है। तो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में आपका समथिंग 40 मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं वो आपके बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के आएंगे, और जो कि बहुत अहम रोल पैदा करने वाला है आपके पार्ट ए वाले पेपर में। और बाकी 60 मार्क्स का समथिंग जो पेपर बनेगा वो आपका मैथ्स, जीके एंड रीजनिंग का बनेगा। तो 40 मार्क्स का है, इसलिए हम अब पढ़ाई स्टार्ट जो करने वाले हैं वो हम बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग की पढ़ेंगे, जिसमें हमारे टॉपिक्स बहुत सारे जो मैंने आपने फर्स्ट वीडियो में आपको बता दिया है। तो आज हमने फर्स्ट टॉपिक लिया है इंजीनियरिंग ड्राइंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में आज हम पहले सबसे फर्स्ट टॉपिक जो है हमने लिया है प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट। सबसे बात करते हैं पहले प्रोजेक्शन होता क्या है। प्रोजेक्शन, व्हाट इज प्रोजेक्शन? तो प्रोजेक्शन होता है जब हम वर्तमान स्थिति में किसी भविष्य की स्थिति का अपन इमेजिन करें एक तरह से। तो अगर हम वर्तमान स्थिति भविष्य का इमेजिन करेंगे उसी को हम प्रोजेक्शन बोलते हैं। जैसे कि आप कहीं मल्टीप्लेक्स में आप फिल्म देखने जाते हो, मूवी देखने जाते हो, तो फिर आपका क्या होता है, सामने प्रोजेक्टर होता है, प्रोजेक्टर से सामने जो पर्दे पर उसका क्या होता है, प्रोजेक्ट होता है। तो वो एज ए प्रोजेक्शन काम करता है, तब उसके ऊपर जो पर्दे पर जो फिल्म दिखती है वो क्या है, प्रोजेक्शन है प्रोजेक्टर से। आप कभी वीडियो क्लासेस ली होंगी आपने, तो उसमें क्या होता है, प्रोजेक्टर लगा होता है। तो प्रोजेक्टर सामने वाइट स्क्रीन होती है, उस पर क्या होता है, उसका प्रोजेक्ट, तो वो क्या होता है, प्रोजेक्शन। तो ये आप जो भी आप जब भी किसी चीज़ का प्रक्षेप जो होता है किसी सामने स्थिति पर बने तो हम उसको बोलते हैं प्रोजेक्शन। ओके, तो बात करते हैं प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट में। अब हम बात करेंगे प्रोजेक्शन, तो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट इसमें सबसे पहले हम बेसिक्स देखेंगे, जिसमें हॉरिजेंटल प्लेन होता है और एक होता है वर्टिकल प्लेन। हॉरिजेंटल प्लेन को बोलते हैं हम क्षैतिज तल, ठीक है, और वर्टिकल प्लेन होता है ऊर्ध्वाधर तल। जैसे आप एक इमेजिन कर लीजिए, अपना घर है, घर में जो जमीन है, जमीन को हमने ले लिया एक क्षैतिज प्लेन जिसको हॉरिजेंटल प्लेन बोलेंगे, और दूसरा ऊर्ध्वाधर तल है, जो हमने दीवार ले लिया, जो आपको सामने दीवार दिख रही है वो एक ऊर्ध्वाधर तल ले लिया। ओके, वर्टिकल प्लेन। अब इसमें हम बात करेंगे, ये हमने मान लो ये हमारा एक्स वाई प्लेन है, और ये एक्स वाई डैश एक्स डैश वाई डैश प्लेन है, और ये आपका एक्स वाई प्लेन है। ओके, तो ये प्लेन है ना कि एक्सेस है, आप समझ रहे इस बात को, ये प्लेन है। तो इसमें मान लो इस वाले हम इसको डिस्कस इसको बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आता है, अब एचपी के ऊपर की बात करेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, अबव एचपी, एंड बीपी के सामने है तो इन फ्रंट ऑफ बीपी। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। ओके, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। नेक्स्ट, अब ऐसी हम बात करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट की, जिसमें हम बोलेंगे बीपी के जस्ट पीछे है तो हम बोलेंगे बिहाइंड ऑफ बीपी, एंड आ गया हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर है तो अबव एचपी। ओके, थर्ड क्वाड्रेंट की बात करेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, एचपी के नीचे है तो ब्लू एचपी, देन बीपी के पीछे है तो हम बोलेंगे बिहाइंड बीपी। ओके, ऐसी फोर्थ की बात करेंगे तो फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में क्या है, बिलो एचपी एंड इन फ्रंट ऑफ बीपी। ओके, ये हमारा एचपी और बीपी का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। ओके, तो ये फर्स्ट सेकंड, ये सेकंड क्वाड्रेंट था, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसमें बात कर लिए। अब इसमें ये हमारा बेसिक्स था, अब इसमें बात करते हैं आगे हम इसमें पॉइंट के प्रोजेक्शन की। जैसे कि हम यहाँ पर एक फिगर बनाते हैं, ये हमारा एच पी प्लेन है, ये हमारा वर्टिकल प्लेन है। क्वेश्चन आता है आपका, मान लो आपको क्वेश्चन दिया है 40 मिलीमीटर एबव एच पी एंड 30 mm इन फ्रंट ऑफ बीपी। तो आपको निकालना है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ टॉप व्यू
एंड फ्रंट व्यू फ्रॉम एक्स वाई प्लेन। ठीक है, मतलब क्या है, 40 मिलीमीटर एबव एचपी हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर दिया हुआ है, इन फ्रंट ऑफ बीपी के ऊपर दिया हुआ है, तो हमें पोजीशन उसकी स्थिति निकालनी है, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू का पोजीशन निकालनी है, किससे, एक्स वाई प्लेन से। तो हमने जैसे मान लिए ये हमारा है, क्या लिखा है, 40 मिलीमीटर एबव एचपी, तो हमने यहाँ पे एक पॉइंट लिया है जो कि एबव है, कितना एबव है, 40 मिलीमीटर एबव। फिर उसके बाद दिया इन फ्रंट ऑफ बीपी 30 mm, तो इन फ्रंट ऑफ बीपी के सामने है, तो बीपी के सामने लिया है, कितना 30 mm, क्लियर है। अब इसका हम टॉप व्यू, अब बात करते हैं टॉप व्यू और फ्रंट व्यू क्या होता है। अब जैसे मान लो आपकी आंख यहाँ पर है, आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हो, इस पॉइंट को ऑब्जर्व करोगे, तो आप जब सामने से देखोगे तो क्या बनेगा, फ्रंट व्यू। तो यहाँ से जब आप देखोगे तो क्या बनेगा इसका, फ्रंट व्यू। एंड ऊपर से टॉप से देखोगे तो ये क्या दिखेगा, इसका टॉप व्यू, क्लियर है। तो यहाँ से जब देखोगे तो ये पॉइंट कहाँ दिखेगा, इस वाले प्लेन पे, और यहाँ से देखो ये कौन से प्लेन पे दिखेगा, वर्टिकल प्लेन पे। और ये प्लेन है, जब भी हम अब स्थिति का पता करते हैं तो ये वाला जो पॉइंट है, तो जब भी हम टॉप व्यू फ्रंट व्यू बनाएंगे तो हमेशा वर्टिकल एक्सिस पे बनाते हैं। तो जब भी हम फ्रंट व्यू देखेंगे तो इसका प्रोजेक्ट कहाँ पर होगा, यहाँ पर, और इसका जो प्रोजेक्ट होगा वो क्यों, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर। लेकिन हॉरिजॉन्टल प्लेन पर तो ले नहीं सकते हैं हम, किस पर लेंगे, इसका लेंगे वर्टिकल प्लेन पर। तो ये कितना है, ये 30 mm है, तो ये भी कितना होगा, 30 mm होगा। तो यहाँ से मैं इसको आर्क लूँगा और मैं इसको आर्क लेके वर्टिकल प्लेन पर ले जाऊँगा, तो इसमें जो एक्सिस होगी ये भी कितनी हो जाएगी, 30 mm। और ये फ्रंट व्यू को मैं इसको डिनोट करूँगा ए से, एंड इसको डिनोट करूँगा ए डैश से। अब इसका हम फ्रेश बनाते हैं, इसको बनाने का तरीका ये है, ये मैंने वर्टिकल प्लेन ले लिया, इसको मैंने ए से डिनोट किया था फ्रंट व्यू को, जो किसकी कितनी डिस्टेंस है, 40 mm की डिस्टेंस दी हुई थी, ये 40 है तो ये भी 40 होगा, तो ये 40 mm की डिस्टेंस मिल गई थी। और आपका टॉप व्यू था, टॉप व्यू आपको ये यहाँ बनना था, वो आपका वर्टिकल प्लेन पर 30 mm के डिस्टेंस है, किससे, बिलो एचपी। तो बिलो एचपी, तो यहाँ पर हमारा ए डैश बनना था, और जो कितना है, 30 mm की बनी, क्लियर है। तो इसमें जो पोजीशन आई है, तो पोजीशन जो आई है फ्रंट व्यू की पोजीशन है एबव एक्स वाई प्लेन, एबव एक्स वाई। तो इसका जो आंसर लिखूंगा मैं, आंसर एबव एक्स वाई, फ्रंट व्यू जो हमारा निकल के आया है, फ्रंट व्यू वो क्या निकल के आया है, एबव एक्स वाई, और डिस्टेंस कितनी आई है, 40 mm। और हम बात करते हैं अगर टॉप व्यू की, टॉप व्यू की जो डिस्टेंस निकल के आई है वो कितनी है, बिलो एक्स वाई, और डिस्टेंस कितनी निकल के आई, 30 mm। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके बनेंगे, ऐसे क्वेश्चन जो आएंगे, ये हमारा क्या है, ये हमने आपको बताया एक्सप्लेन करके, पर इसकी कुछ ट्रिक्स हैं जो आप देखते ही बता सकते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है, ओके। तो ये हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन था, इसको आप नोट कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम इसके आगे ट्रिक की। ऐसे हमारा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन था, ऐसे हम थर्ड एंगल का निकालेंगे, फोर्थ का भी है, सेकेंड का भी है, सभी का है, आप निकाल सकते हो। अब मैं एक सेकेंड एग्जाम्पल आपको थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की बात करता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं मिटालता हूँ, अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। क्वेश्चन मैंने दिया आपको 25 mm बिहाइंड बीपी और 35 mm बिलो एचपी। अब आप देख रहे होगे इसका प्रोजेक्शन कहाँ बनेगा, ये एच पी है, ये वी पी है। अब बात करते हैं बिहाइंड वी पी, तो वी पी के पीछे, बिलो एच पी, तो बिलो बी एच पी, तो आपको ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, पता चल गया मुझे पॉइंट। तो ये पॉइंट मान लो मेरे यहाँ पर है बिहाइंड वी पी, तो बिहाइंड वी पी, वी पी पे कितने डिस्टेंस है, 25 mm, तो 25 mm के डिस्टेंस है यहाँ से, ये 25 mm की दिया हुआ है। उसके बाद बिलो एच पी, एच पी से कितना बिलो है, 35 mm, तो 35 mm ये आपका दिया हुआ है। अब यहाँ पर आप देखिए इसका टॉप व्यू और फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा। अगर मैं इसका फ्रंट व्यू देखना चाहता हूँ तो ये ऑब्जर्व होगा वो कहाँ से देखेगा, सीधी सी बात है वो यहाँ से देखेगा, क्लियर है। तो यहाँ से जब वो देखेगा तो इसका जो फ्रंट व्यू होने का वर्टिकल प्लेन पर यहाँ मिल जाएगा, जिसको हम ए से डिनोट कर देंगे।
अब बात करते हैं टॉप व्यू। अब मैं ऊपर से अगर देखता हूँ तो पहले प्लेन पड़ रहा है तो मुझे पॉइंट दिखाई नहीं देगा, तो मैं इसका जो टॉप व्यू बनाने के लिए मैं इसको यहाँ से देखूँगा। तो टॉप व्यू मुझे बनाना है तो मैं यहाँ से देखना पड़ेगा, और फ्रंट व्यू बनाना है तो मुझे यहाँ से देखना पड़ेगा, समझ रहे हैं? तो टॉप व्यू है तो यहाँ से जो बनेगा वो यहाँ पर बन जाएगा एडस। पर मैंने आपको जैसा कि बताया है कि जब भी टॉप व्यू बनता है तो वो टॉप व्यू और फ्रंट व्यू दोनों ही वर्टिकल एक्सिस पे आना चाहिए। तो यहाँ पर अब ये दिया हुआ है तो इसका जो कितना है, ये 25 mm। तो यहाँ से मैं लूँगा इसका जो प्रोजेक्शन लूँगा वो यहाँ से ये आपका वर्टिकल प्लेन पे आ जाएगा। इसको एडस से डोनेट कर दूंगा, ये 25 mm आ चुका है। इसको मैं फ्रेश तरीके से लिखूँगा तो ये है इसका जो टॉप व्यू बनेगा वो एडस कितनी डिस्टेंस पे है, 25 mm। इसका जो फ्रंट व्यू है वो है ए, कितनी डिस्टेंस है एक्स वाई से, एक्स वाई प्लेन से, वो हमारी डिस्टेंस ये 35 mm। ये आपका 35 है, ये भी 35, ये 35 mm। ये आपका यहाँ पे, ये आपका टॉप बन जाएगा टॉप व्यू, और ये आपका फ्रंट व्यू। अब मैं इसको लिखने का क्या तरीका है, आप जानते हैं ये आपका एक्स वाई प्लेन है, तो एक्स वाई प्लेन से आपका जो टॉप व्यू बनना है वो कहाँ है, एवव एक्स वाई प्लेन 25 mm की डिस्टेंस दी हुई है। और आप फ्रंट व्यू की बात करेंगे तो ब्लो एक्स वाई कितने भी डिस्टेंस बनना है, 35 mm की डिस्टेंस बनना है, ठीक है? ऐसे आप क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। और मैं आपको इसकी ट्रिक बता रहा हूँ, बिल्कुल देखते ही सॉल्व करना है, देखते ही जवाब देना है क्या बनेगा, ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्टली। अब इसकी मैं ट्रिक्स बताता हूँ आपको। ट्रिक्स है, सबसे पहले अगर मान लो एवव एचपी दिया हुआ है, एवव एचपी अगर दिया हुआ है तो सीधी सी बात है एवव एचपी कहाँ होगा, एवव एक्स वाई होगा, एक्स वाई के ऊपर होगा। और इसमें कौन सा व्यू बनेगा, जब भी एवव एचपी आता है, अब मैं यहाँ पर आपको इमेजिन करवाता हूँ, ये एचपी है और ये आपका वीपी है। अगर एवव एचपी है तो ये वाली डिस्टेंस से आप कहाँ सामने देखोगे, तो जब भी सामने देखोगे तो कौन सा व्यू बनेगा, इसमें फ्रंट व्यू बनेगा, ओके फ्रंट व्यू। सेकेंड है बिलो एक्स वाई, बिलो एचपी। अब बिलो एचपी की बात करेंगे तो ये पॉइंट हटा के ये नीचे ले गए आप, तो ये नीचे लोगे इसका भी क्या आएगा, फ्रंट व्यू बनेगा, क्योंकि यहाँ से सामने से देखोगे, सामने से देखोगे तो यहाँ पे, ऊपर से देखोगे तो यहाँ पॉइंट बनेगा, इसलिए इसका जो भी है एक्स वाई में जब बिलो और एवब जब भी आएगा तो हमेशा फ्रंट व्यू बनता है। तो ये जो डिस्टेंस है वो कहाँ पर आएगी, बिलो एक्स वाई, तो बिलो एक्स वाई, और इसमें भी हमेशा फ्रंट व्यू बनेगा। थर्ड, अब हम बात करते हैं एचपी का हो गया, अब बीपी की बात करते हैं, इन फ्रंट ऑफ बीपी, इन फ्रंट ऑफ बीपी। अब हम बात करते हैं इन फ्रंट ऑफ बीपी, मान लो ये डिस्टेंस है, अब ये आपको इन फ्रंट ऑफ बीपी, ये डिस्टेंस आपको ये वाली डिस्टेंस दी है। अब ये डिस्टेंस आपको कहाँ से, जब ऊपर से देखोगे तब ये डिस्टेंस मुझे यहाँ पर दिखाई देगी, ये पूरी डिस्टेंस कितनी है बीपी से, कितनी डिस्टेंस पर है, तो मुझे टॉप व्यू दिखाएगा। जब भी बीपी की बात करेंगे टॉप व्यू, और ये टॉप व्यू है मैंने आपको बताया हॉरिजॉन्टल प्लेन पे नहीं बनता, ये कहाँ बनता है, वर्टिकल प्लेन पे। तो यहाँ से मैंने आपको आर्क बताया था, तो कितनी जो भी आपका इसका व्यू बनेगा वो कहाँ बनेगा, बिलो एक्स वाई बनेगा, कहाँ बनेगा, बिलो एक्स वाई। तो बिलो एक्स वाई ये आपका कौन सा प्लेन था, एक्स वाई प्लेन था, हॉरिजॉन्टल प्लेन था, तो कहाँ बनेगा, एक्स वाई प्लेन के नीचे बनेगा। तो इसका जो व्यू बनेगा वो कहां बनेगा, बिलो एक्स वाई, और कौन सा व्यू बनेगा, टॉप व्यू बनेगा, क्लियर है? एंड फोर्थ है, इन फ्रंट ऑफ बीपी के बाद है अपना बिहाइंड बीपी, बिहाइंड बीपी है। अब बिहाइंड बीपी की बात करते हैं, अब मान लो ये पॉइंट है, मान लो यहां पर दिया हुआ है, क्लियर है? अब ये पॉइंट दिया है, अगर भी ये डिस्टेंस आपको दी हुई है इतनी डिस्टेंस पे, इसका ये प्रोजेक्शन होगा वो कहां पर आएगा, यहां पर। और इसका जो भी है, अब इसकी जो प्रोजेक्शन होने के बाद जो भी इसको अपन फ्रेश तरीके से अपन दिखाते हैं तो कहाँ दिखाते हैं, वर्टिकल प्लेन पे, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे नहीं दिखाएंगे। तो इसका प्रोजेक्शन अगर मैं लूँगा तो कहाँ लूँगा, इसका नीचे, तो ये लूँगा तो वर्टिकल प्लेन पे, तो इसका जो प्रोजेक्शन आएगा वो कहाँ पर आएगा, एक्स वाई के बिल्कुल नीचे, ओके एक्स वाई के क्या आएगा, नीचे आएगा। इन पर बिहाइंड बीपी दिया हुआ है, बिहाइंड बीपी, एवोव एच पी, बिलो एच पी, बिहाइंड बीपी। तो बीपी का अगर दिया हुआ है पीछे ऊपर, तो इसका जो बनेगा वो यहाँ पर बनेगा, और इसका बनेगा बिलो एक्स वाई, और इन फ्रंट ऑफ बीपी उसका ही बिलो एक्स वाई बनेगा, ठीक है? बिहाइंड बीपी इसका अगर ये आपको दिया हुआ है, ये पॉइंट दिया है बिहाइंड ऑफ बीपी, बिहाइंड बीपी दिया हुआ है, अगर मान लो बिहाइंड बीपी और आपका टॉप व्यू है, ये इस पर बनेगा और ये आपका बिलो एक्स वाई आएगा, तो बिलो एक्स वाई बन जाएगा और टॉप व्यू भी बनेगा। और इन फ्रंट ऑफ बीपी की बात करते हैं, अब पॉइंट है
अब देखो यहाँ पर पॉइंट दिया था तो यहाँ बन रहा था तो इसका बिलो एक्स वाई आ गया, और यही पॉइंट अगर यहाँ पर है और मैं इसको देखूंगा तो ये कहाँ पर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो बात वही है टॉप व्यू यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन अगर मैं लेता हूँ, कोई सा भी क्वेश्चन लेता हूँ, अगर मान लो ये दोनों ब्लू एक्स वाई आ रहे हैं, अब इसका मतलब समझ रहे होंगे ब्लू एक्स वाई दोनों क्यों आ रहे हैं। अगर मैं इन फ्रंट ऑफ बीपी ले रहा हूँ, ये सामने है इन फ्रंट बीपी के, यहाँ पर भी हो सकता है और यहाँ पर भी हो सकता है, और बिहाइंड बीपी है वो यहाँ पर भी हो सकता है यहाँ पर। अगर ये पॉइंट यहाँ पर है तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ होगा तो ब्लू एक्स वाई आएगा। अगर मान लो ये ब्लू, अगर ये बीपी के अगर जस्ट पीछे यहाँ पर है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो इसका जो प्रोजेक्शन होगा वो इस पॉइंट पर आएगा, तो इसका प्रोजेक्शन कहाँ होगा, एवो एक्स वाई आएगा। समझ रहे हो इस बात को? तो टॉप व्यू है, कंडीशन डिपेंड करती है थर्ड क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, तो डिपेंड करेगा कौन से क्वाड्रेंट में है, तब आपका व्यू अगर सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो इसका कहां बनेगा, ब्लू एक्स वाई बनेगा। अगर ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है तो इसका टॉप व्यू कहां बनेगा, आपका एबव एक्स वाई बनेगा। समझ रहे हैं? तो इस बात को समझिए, तो पहले अपन को पता करना है। तो क्वेश्चन है अपना, मान लो 20 mm इन फ्रंट ऑफ बीपी एंड 35 mm above xy। अब ये पॉइंट जो है बीपी के सामने है, बीपी के सामने है, यहाँ पर है पॉइंट कोई, और फिर आपको दिया above xy है, above hp, above hp दिया हुआ है, यहाँ से कोई पॉइंट दिया है, यहाँ से कोई पॉइंट दिया है, above xy कितना है 35 mm, और इन फ्रंट ऑफ बीपी कितना दिया है 20 mm, ये आपको यहाँ पॉइंट दिया हुआ है। क्लियर है? ये पॉइंट मुझे मिल गया। अब ये पॉइंट मिलने के बाद मैं इसका प्रोजेक्शन निकाल रहा हूँ, सीधी सी बात है मुझे। अब मैंने आपको बताया इन फ्रंट ऑफ बीपी, इन फ्रंट ऑफ बीपी बनेगा तो सीधी सी बात है क्या बनेगा, हमेशा टॉप व्यू बनेगा, टॉप व्यू कितना होगा ब्लू एक्स वाई, कितनी डिस्टेंस दी है इन फ्रंट ऑफ बीपी की 20 mm, तो मैं आप इसका टॉप व्यू का डायरेक्ट बताऊंगा, तो डायरेक्ट मुझे लिख सकता हूं टॉप व्यू बनेगा इन फ्रंट में कितनी डिस्टेंस है 20 mm की। अब मुझे पता है ये कौन से क्वाड्रेंट में दोनों लाई कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे तो इसका टॉप भी बनेगा 20 mm का बनेगा, डिस्टेंस है, लेकिन कहाँ पर होगी, बिलो एक्स वाई, बिलो एक्स वाई। अब बात करते हैं फ्रंट व्यू, अब फ्रंट व्यू की बात करते हैं, फ्रंट व्यू है वो तो जितना डिस्टेंस होगा आपका, तो फ्रंट व्यू में कितनी डिस्टेंस, एवव एक्स वाई। अब देखिए एवव एक्स वाई है तो एवव एच पी, एवव एच पी, एवव एच पी में कितना बनेगा, फ्रंट व्यू बनता है कितनी डिस्टेंस, एवव एक्स वाई जितनी भी डिस्टेंस होगी, तो डिस्टेंस कितनी है 35 mm, तो 35 mm डिस्टेंस दी है और कहाँ बनेगा, एवव एक्स वाई। ये आपका क्लियर हो गया, क्लियर है? ये आपको तीन चार कंडीशन होती हैं, तो ये चार कंडीशन है, इसको ध्यान रखना है आप लोगों, बस ये है। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स। ठीक है, अब अपना आपके इतना हो गया है, अब आप जो लोग नहीं कोचिंग ज्वाइंस कर पा रहे हैं तो कृपया ये वाली वीडियो आप देख सकते हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई दिक्कत नहीं है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और लाइक कीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए, जिससे आपको ये आगे जो वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। और मेरे को एक, मैं आपको अपडेट देता हूँ, कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है, अगर किसी भी चीज़ में डाउट हो उसे क्लियर करना है, तो मैं आपको एक नंबर दे देता हूँ, मेरा मोबाइल नंबर है 7828672858, ये मेरा नंबर है, इस पर व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप क्लिक कीजिए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।